ऐसे वायरल होंगे, बताओ। मैं बहन चो मेट्रो में जा रहा था, हाँ। कल बहन के लोड़े एक डिब्बे में तुम आ रहे हो, बहन नेपाली नेपाली तमाम बहन के लोड़े चिन चा चुप चू, एक बहन का लड़ने इतना सा बच्चा, वो बहन का लड़ने पूरी मेट्रो में कूदा, बहन से पकड़े रोने लग जाए, उसकी बहन का छूद इधर उधर कूदे कादे, बहन के लोड़े भाषा उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही, बहन चो हंस रहे बात करते करते, मैं बहन के लोड़े गाली तो नहीं दे रहे मेरे को, मैं इसकी मार भी छूटूंगा। चिंग पोंग पिंग पोंग चो वह बहन चो पोंग अलग ही चल रही थी, चिंग चो पापा भाई ची 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 तेरी बहन का वो करा चुका। हाँ तो भाई गलत फंस गया बहन चो, और कान में एयरबड्स भी नहीं थे, उन्हीं के चिंग चाचू जो सुनता हुआ गया, मैं तो राजीव चौक तक पहुंचा कैसे भी, फिर बड़ी मुश्किल से बहन जो दूसरी मेट्रो पकड़ी, फिर वहां से वैशाली। अरे ऋतिक का आने दो तब बढ़िया व्लॉग बनाएंगे, ये भी साला काफी दिनों बाद आया है, आते रहते आते जाते रहते। और गाइस जल्दी जल्दी यार बंदे को आगे बढ़ाओ, कीप सपोर्टेड, सपोर्ट करो भाई को यार जल्दी जल्दी। हाँ तो ऋतिक को आने दो तब बढ़िया व्लॉग बनाएंगे, तब तो ये भी आ गए, ये झाटुल साला काम पे रहता है अपने बाप के साथ, क्या काम भी जरूरी है, घर में रोटी खानी है ना तो काम करना पड़ेगा वरना खाने नहीं देंगे। सो हाय गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज के न्यू व्लॉग में। तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी तो बताता हूँ। यो एक टाइम ऐसा आता है कि घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं, तो वही हाल मेरे साथ हो रहा है अभी, तो देखते हैं कब तक क्या रहेगा कैसा रहेगा। कि गाइस अपनी पूरी गैंग अलग हुई पड़ी है, तो ऋतिक गया गाँव और सन्नी काम में व्यस्त है, और वो प्रमोद उसी के साथ ही है, उसी के गाँव गया एक्चुअली। हाँ तो गाइस ऐसा कुछ सीन है, और अभी फुल फनी व्लॉग आने वाले हैं, करो बढ़िया व्लॉग लेके आ रहे हैं। मैं तुम्हें पर्सनल लाइफ में डालना नहीं चाहता अपने घर वालों की, तुम्हें मैं फ्रेंड जोन में रखूँगा, मैं बता भी सकता हूँ क्या हुआ था, तो बस ऐसी बहुत तगड़ी बात हो गई थी, सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकता, लेकिन फिर भी यार हर बातें दिल पे लग जाती हैं, तो कोई नहीं। ऋतिक से बात करी थी आज, वो तो थाईलैंड में है, वो साला उसके साथ टोपी पहन के बैठा हुआ था, वो आ जाएगा, मैंने उससे बात करी थी, वो 5 या 4 दिन के अंदर आ जाएगा दिल्ली, तब बढ़िया व्लॉग डालेंगे, अभी तो फिलहाल तुम मेरी बकचोदी देखो, तुम लोग मेरी बातें सुनो, और अभी चलते हैं नीचे, धूप बहुत सेक ली मैंने एक्चुअली, ऊपर डायरेक्ट सन है मेरे, देख रहे हो। 5 दिन में ऋतिक आ जाएगा तो बढ़िया व्लॉग बनाएंगे। और तुम्हें दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं शायद अपने बर्थडे तक आईफोन ले लूँ, मेरा बर्थडे 11 मार्च को है, और ले लेंगे, अभी बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं इसलिए व्लॉग नहीं डाल पा रहा, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, ठोकरें खाने के बाद ही ठोकरों का वो पता चलता है, तो कोई नहीं फिलहाल अभी चलते हैं ऊपर, ऊपर कह रहा हूँ नीचे, और व्लॉग बनाते हैं देखते हैं, आशा पूरा दिनचर्या दिखाऊंगा, और अब से मैं सोच रहा हूँ डेली व्लॉग डालने की, क्योंकि गाइस मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें मैंने बता दिया अपनी गैंग का, तो वो लोग आ जाएंगे जल्दी, तब ये इधर पता नहीं क्या ही है, वो तेरी रुमाल तो रह गया, वेस्टर कनस्तर की बोरी, तेरी गांड फाड़ दूँगा अगर इसे छू लिया तो, फैर थोटा साले। वेस्टर ओए इधर चल, ये तेरे लिए ही लगा रखा है ये आओ, तो वो भी कैमरे में गोरा लग रहा हूँ, और ये गोरा होते हुए भी काला लग रहा है, आओ इधर से आ, इधर से ये रास्ता बना दिया भाई इतना बड़ा, आ जा किमो नाचे, आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आओ। अब बंद सॉरी, अभी चलो चलते नीचे, और नीचे जाके मिलता हूँ। एंचो कपड़े की क्या हालत हो गई, गंदे हो गए। तो गाइस आज बनी है चाप घर पे, ये देखो, तो खाते हैं, और अब मैं खाना नहीं दिखाऊंगा, जब से यूट्यूब पे आऊँ ना तब से पर्सनल लाइफ की बहन चुद गई है, मतलब पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा रिवील हो गई है मेरी, तो खैर मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, मैं तो व्लॉगर हूँ, मेरी काम ही यही है, और तुम लोग एंटरटेन होते रहो बस, मेरा बहुत सारी चीज़ें जो रिवील हो गई है, और मैं रिवील करता रहता हूँ क्योंकि मैं व्लॉगर हूँ, मेरी लाइफ का शायद सबसे बड़ा मूव ऑन रहेगा लाइफ में, तभी मैं उसे छोड़ के आ रहा हूँ बाहर, क्योंकि वो बाहर दूर से भी गई, मैंने सही वक्त पे मूव ऑन कर लिया। इस लड़की की अभी शादी नहीं हो पाई क्या 5 साल से, हल्के हल्के आवाज़ आ रही होंगी तुम्हें,
ये बहन जो 5 साल पहले भी आए थे भीख मांगने, अभी भी आ रहे हैं। कभी भी अपनी लाइफ में भीख मांग के मत खाओ, भले कुछ काम कर लो छोटा मोटा। काफी साफ साफ सा मौसम है, देखो नीला नीला आसमान है, बढ़िया एकदम। बहन जो 5 साल पहले भी भीख मांग रहे थे, अभी भी भीख मांग रहे हैं। तो मैं अभी अपने तीनों कैमरे चेक कराता हूँ फोन के। ये फ्रंट कैमरा है, ठीक है, बैक कैमरा है, और ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का कैमरा है। यही रीज़न है आईफोन लेने का, और मैं लूँगा, और कोई रीज़न नहीं है। बैठ के मैं खाली बस टाइम पास कर रहा हूँ, बचा ही नहीं है कुछ बहन जो लाइफ में करने के लिए। क्या कर रहा है, बोलेगा क्या कर रहा है? तेरी बहन की चूत चूती है। जगान मरा का लौड़ा है, पूरे दिन बस पढ़ता ही रहता है, इसके पास कोई काम ही नहीं है। बहन चूत, मैंने इसे कितनी बार समझाया पढ़ लिख के कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। 1000 बार समझा दिया है कुछ नहीं कर पाएगा, तू पढ़ लिख के मत पढ़ा कर। चलो मैं भी चलता हूँ नीचे। हाउ गाइज, अभी तुम्हारा भाई जा रहा है नहाने, और अभी नहा धो के थोड़ी देर में मिलता हूँ। शायद से मेरा प्लान भी है मुखर्जी नगर जाने का, 150% जाने का मन है, लेकिन देखता हूँ जाऊँगा नहीं जाऊँगा, जाऊँगा तो तुम्हें बता दूँगा। और फिलहाल अभी जाता हूँ नहा धो के, तुमसे मिलता हूँ। हाँ तो गाइज, तुम्हारा भाई अभी नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गया है। ओके, तो मैं तैयार हो गया, अभी देखते हैं जाते हैं कि नहीं। जी दे दो माइक पे लाइक, मैं बोल रहा बहुत कुछ पर खोल ली बोतल है। हाँ तो गाइस, तुम्हारा भाई निकल गया है, काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही जा रहा हूँ नहाने के लिए, बस मतलब सपोर्ट दिखाओ। और भाई कितनी प्यारी गाय है, वाइट एंड ब्लैक, ये उसकी है रशियन डेरी की ना एक टोपी आती है हमारे इधर, तो मैं उसी को बता रहा हूँ, उस पर भी यही प्रिंट आउट बना रहता है ना। इस भाई उधर मुँह उतरा है, भाई सार देश ऐसे ही होते, लड़के सबकी गांड फाड़ते हुए चलते हैं। एक बार भाई यहाँ की ब्यूटी देखो यार, क्या ब्यूटी है। सो टू गुड ब्रदर, मजा आ गया, वर्थ इट तो है। चलो यहाँ तक आने में कुछ तो कंटेंट निकला मेरा, थोड़ा बहुत कुछ तो डालूंगा चैनल पे, यहाँ से जाते ही एडिट कर दूंगा मैं तो। बहन इस व्यू देखो, थोड़ा यहाँ के लोग अपने आप को इतना रेस का चौदह समझते हैं। अभी मैंने जूस का गिलास पूछा था मौसमी का, वो था 140 रुपये का, इतना महंगा बहन का लेना है। इतने में तो मैं पूरे घर को पिला दूंगा। मुखर्जी नगर जाना कैंसिल, अब तुम्हारा भाई जा रहा है सीएनजी पार्क। ऐसी कॉन्फिडेंस खुलेगा धीरे धीरे। तो गाइस, उधर चल रहा था क्रिकेट और मुझे पसंद नहीं है, वैसे भी रात होने वाली है, घर चलते हैं। अब तुम्हारा भाई मिलता है तुमसे डायरेक्ट घर जाके। इस हूर की परियां भाई अभी घर आ चुका है और बहुत थक गया मैं, और अराउंड 8 किलोमीटर चल गया मैं। ये देखो साला फकीर, वैसे कभी नहीं याद करता बहन चल। ये वाले हैं क्या? बट्स लेने आया तो याद कर लिया। ये वाले हैं साले, दे तो रहा हूँ कम से कम, प्राइस देख ले कितने का है। इनका कोई प्राइस होता है? तो ऐसे ही वायरल होंगे, बताओ। मैं बहन चो मेट्रो में जा रहा था, हाँ कल बहन के लोड़े एक डिब्बे में, तुम आ रहे हो बहन चो नेपाली तमाम बहन के लोड़े, चिंचा चुप चुप एक बहन करण ने, इतना सा बच्चा वो बहन करण पूरी मेट्रो में कूदा, बहन पकड़े रोने लग जाए उसकी बहन का छूद, इधर उधर कूदे कादे बहन के लोड़े। भाषा उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही, बहन चो हंस रहे बात करते करते, मैं बहन के लोड़े गाली तो नहीं दे रहे मेरे को, मैं इसकी मारी छू तू चिंग पोंग पिंग पोंग चो, मैं बहन चो पोंग अलग ही चल रही थी, चिंग चो पापा भाई चिंग चिंग तेरी बहन का वो करा तू। हाँ तो भाई गलत फंस गया बहन चो, और कान में एयरबड्स भी नहीं थे, उन्हीं की चिंचा चिंग सुनता हुआ गया मैं, तो राजीव चौक तक पहुंचा कैसे भी। फिर बड़ी मुश्किल से बहन जो दूसरी मेट्रो पकड़ी, फिर वहां से वैशाली। अरे तिक का आने दो, तब बढ़िया व्लॉग बनाएंगे, ये भी साला काफी दिनों बाद आया है। आते रहते आते जाते रहते। और गाइस जल्दी जल्दी यार बंदे को आगे बढ़ाओ, कीप सपोर्टेड, हाँ सपोर्ट करो भाई को यार जल्दी जल्दी। हाँ तो ऋतिक को आने दो, तब बढ़िया व्लॉग बनाएंगे, तब तो ये भी आ गए, ये झाटुल साला काम पे रहता है अपने बाप के साथ, क्या काम भी जरूरी है, घर में रोटी खानी है ना तो काम करना पड़ेगा, वरना खाने नहीं देंगे। खाने नहीं देंगे, चल यार चल रहे हैं, चल ठीक है बाय। चलो भाई बाय।
क्या करता हुआ जा रहा है बहन का लौड़ा। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी, तीन बटन से भार छा।